वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, हम आज आपको पुस्तकालय प्रसूची के बारे में कुछ परिचय देंगे और उसके प्रकार के बारे में बताएंगे, वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और पाठकों को पढ़ने में क्यों सहायक होती है और उसके वजह से पुस्तकालय का कार्य क्यों आसान हो जाता है। आइए देखते हैं। ग्रंथालय प्रसूची परिभाषा एवं उद्देश्य। ग्रंथालय में संग्रहित सामग्रियों का उपयोग होता रहे जिससे कि हम अनेक प्रकार की प्रसूचियों का निर्माण कर सकें, जिसमें अभीष्ट सामग्री को प्राप्त किया जा सके और साथ ही ग्रंथालय सामग्रियों को शीघ्रता से जान सकें। प्रसूची ग्रंथालय का दर्पण होता है और अभिलिखित ज्ञान सामग्री का हर संग्रहित और हर संभावित दृष्टिकोण से संप्रेषित करने की युक्ति प्रस्तुत करती है। आधुनिक ग्रंथालयों में पुस्तकालयों तथा अन्य पाठ सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए तुरंत ही प्रसूची का प्रस्तुति होना आवश्यक है। किसी भी पुस्तकालय में पुस्तकों के समूह में मौजूद पुस्तकें और उनके बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए हम एक मंजिका रजिस्टर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम ग्रंथालय प्रसूची कहते हैं। और ग्रंथालय प्रसूची में वांछित सामग्री को चयन करने के लिए अक्सर एक साथ कई संसाधनों तक त्वरित गति से पहुंचने के लिए आधुनिक ग्रंथालय के तरीकों में अपनाते हैं। इसमें वर्गीकरण है, प्रसूचीकरण प्रमुख है। वर्गीकरण पठन सामग्री को सेल्फ पर सहायक तथा सुप्रसिद्ध ढंग से एवं सुव्यवस्थित ढंग से हम इसको कर सकते हैं। वहीं ग्रंथालय प्रसूची पाठक को पाठ सामग्री उपलब्ध कराती है। ग्रंथालय संग्रह में विभिन्न विषयों और विभिन्न प्रकार की भौतिक प्रसूची को व्यापक सामग्री होती है। एक ग्रंथालय में सामने उपयोगकर्ता को वांछित सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही चुनौती होती है। ग्रंथालय प्रसूची बनाने का एक मुख्य कारण यह भी है, वांछित सामग्री तक जाने के लिए शीघ्रता से यह सहायता करती है और प्रसूची में उपलब्ध जानकारी को पाठक के द्वारा ग्रंथालय में वांछित जानकारी तक अभिगम के अनेक मार्ग प्रदान करती है। प्रसूची का अर्थ। चार्ल्स एमिकटर ने 1891 में अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ डिक्शनरी में कहा था कि प्रसूची को अनेक उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए पुस्तकालय प्रसूची पुस्तकालय की अंत वस्तु को एक अनुक्रमणिका है जो पुस्तकालय में प्रलेख खोजने को पाठकों की सहायता करती है। यह आधुनिक व साधन पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पत्र, पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन इकाई एवं अन्य पठनीय सामग्री रहती हैं और इस प्रकार सामग्री की सुरक्षा की जाती है। यह प्रसूची अनेक प्रकार की होती है जिसके अभाव में हम यूज नहीं कर सकते किसी भी सामग्री को। ग्रंथालय प्रसूची में हम पुस्तकें प्रयोग के लिए है, बुक्स फॉर यूज, पुस्तकों के विवरण को प्राप्त करने के लिए कैटलॉग एक साधन है और पुस्तकों को अभिज्ञान के लिए उनकी आंतरिक और बाह्य विशेषताओं का ध्यान प्रसूचीकरण को अवश्य रखना चाहिए। समुचित उल्लेख प्रसूची के अंतर्गत आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे जान सकते हैं कि लेखक का नाम, फुल नेम ऑफ द ऑथर, आख्या टाइटल होती है, प्रकाशन स्थान होता है प्लेस एंड पब्लिकेशन, प्रकाशक पब्लिशर, प्रकाशन तिथि डेट ऑफ द पब्लिकेशन, इससे सर्च कर सकते हैं। पृष्ठों की संख्या होती है और चित्रलेख होता है, आकार होता है, विषय वस्तु होती है, लेखक होता है और आख्या होती है, प्रकाशन तिथि होती है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों को, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से 5वां सूत्र है कि ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ग्रंथालय निरंतर विकास उन्मुख है और पुस्तकालय में सदैव वृद्धि आवश्यक है और यह स्वाभाविक रूप से होती भी रहती है। अतः पाठ सामग्रियों के संकलन में वृद्धि स्वाभाविक है। पुस्तकें खरीदी जाती हैं,
अतः उनका पाठ सामग्रियों के प्रयोगार्थ तथा पाठकों के सूचनार्थ आवश्यक भी हैं। प्रसूचीकरण के लिए किसी निश्चित प्रसूचीकरण नियमावली, कैटलाग कोड तथा विधियों का मेथड का भी हम अनुसरण करते हैं और प्रसूची संलेखों को कैटलाग एंट्रीज को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसके आकलन से व्यवस्था अरेंजमेंट तथा उल्लेख शैली स्टाइल को हम जान सकते हैं। और परिभाषा, प्रसूची को अंग्रेजी में कैटलॉग कहते हैं। कैटलॉग पद ग्रीक भाषा से लिया गया है और कैटलॉग्स पद से बना हुआ है, जिसमें कैट कैटा तथा तात्पर्य क्रम ऑर्डर से रखना होता है। प्रसूची कैटलॉग का कार्यव्यवस्था है जिसमें विषय वस्तुओं को, कंटेंट्स को विन्यास किसी तर्कपूर्ण रीजनेबल एंड क्रम से ऑर्डर से रखा जाता है, किसी सुनिश्चित योजना सेट ऑफ द प्लान्स के अनुसार किया जाता है। कैटलॉग का तात्पर्य है सूची, लिस्ट अथवा पुस्तकालय है, परंतु वास्तविक रूप से ग्रंथालय, लाइब्रेरी कैटलॉग का तात्पर्य किसी ग्रंथालय अथवा किसी स्थान विशेष से ग्रंथालयों की पुस्तकों तथा अन्य प्रलेखों की उस तालिका से है जो किसी मान्यता प्राप्त क्रम व्यवस्था के अनुसार सुनियोजित ढंग से पुस्तकों तथा अन्य पाठ सामग्रियों को अभिज्ञान तथा ग्रंथालय में उनके स्थान को ज्ञात करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है। सीए कटर के अनुसार यह लाइब्रेरी के बहुत प्रचंड विद्वान थे और प्रसूची पुस्तकों की एक तालिका है जिसकी सुनियोजित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है। संदर्भ ग्रंथ सूची और प्रसूची में यह भेद है कि यह किसी ग्रंथालय अथवा किसी संग्रह की पुस्तकों की तालिका होती है। डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार प्रसूची ग्रंथालय के पाठ सामग्रियों के विवरण का विधिवत व्यवस्थित अभिलेख है। ग्रंथालय प्रसूची का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग। हम लाइब्रेरी कैटलॉग में जो संकलन है उसको व्यवस्था करते हैं और ग्रंथालय तथा ग्रंथालय ये दर्शन कला का लक्ष्य पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत करना होता है। व्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्र का उल्लेख किया गया, जिसमें पहला है विधाओं का, सेल्फ्स का है, तथा सामग्रियों को क्रमपूर्ण विन्यास ऑर्डरली रखना, ऑर्डरली अरेंजमेंट है। और दूसरी व्यवस्था एक ऐसी अभिलेख है कि जिसमें क्रिएशन ऑफ द रिकॉर्ड, जिसके द्वारा ग्रंथालय में किसी भी वस्तु के स्थान को निश्चित तथा उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। सीए कटर ने प्रसूची के जिन उद्देश्यों का निर्धारण 1876 में किया था वे आज भी पर्याप्त, प्रचलित और आवश्यक माने जाते हैं। कटर ने अपने रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में उद्देश्य निर्धारित किए जिससे किसी भी ग्रंथालय प्रसूची को संपन्न कराने की क्षमता विद्यमान होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि किसी पुस्तक के लेखक, आख्या, टाइटल अथवा सब्जेक्ट का ज्ञान होने पर उसे पुस्तक प्राप्त करना है तो किसी लेखक विशेष द्वारा लिखित किसी विषय से संबंधित अथवा किसी अमुक प्रकार की साहित्य के ऊपर जितनी भी सामग्री ग्रंथालय में उपलब्ध होती है उसे प्रस्तुत करना होता है। किसी पुस्तक के संस्करण में विशेष तथा उसके साहित्यिक अथवा विषय अनुसार विशेषता की दृष्टि से चयन करने की सहायता प्रदान करना तीसरे उद्देश्य का अर्थ यह है कि पुस्तकालय में प्रसूची के अंतर्गत प्रलेखों का विवरण होता है और उसका उल्लेख करने से जिससे किसी कृति के विभिन्न संस्करणों का ज्ञान प्राप्त हो सके। साथ ही प्रलेखों की विषय वस्तु तथा विशेषताओं को उल्लेख करके उसके वर्ण में सहायता प्रदान करना होता है। प्रसूची का उद्देश्य ग्रंथालय में पुस्तकों का तथा अन्य प्रलेखों के स्थान का ज्ञान करना होता है। इस प्रकार प्रसूची एक प्राप्त करने की तालिका है, फाइंडिंग्स ऑफ द लिस्ट है, जो ग्रंथालय में किसी पुस्तक तथा अन्य सामग्री की पहचान कराती है, खोजती है तथा स्थान निश्चित करती है। प्रथम उद्देश्य होता है कि ग्रंथालय प्रसूची का प्रथम उद्देश्य अध्ययन तथा अनुसंधान के लाभ के लिए पुस्तकों का तथा अन्य प्रलेखों की ग्रंथात्मक विशेषताओं, बिब्लियोग्राफिकल फीचर्स को जानना होता है, इसे उपलब्ध कराना है। लेखक का पूरा नाम होना चाहिए, शुद्ध आख्या होना चाहिए, संस्करण होना चाहिए, मुद्रण आदि होनी चाहिए और पृष्ठादि होनी चाहिए और प्रसूची प्रलेखों का कैटलॉग एंट्री भी होनी चाहिए। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ये है कि यह पुस्तकों का पाठ सामग्रियों के बीच में शीघ्रता से प्राप्त हो सके और इसकी सहायता भी प्रदान करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरा उद्देश्य की पूर्ति का दूसरा साधन यह है कि यह एक विधि वर्गीकरण प्रणाली, क्लासिफिकेशन सिस्टम
को अप्रोच करती है, जिसकी सहायता से ग्रंथों में निधानियों का क्रम पूर्ण होता है और व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्था प्रणाली में केवल एक ही अनुक्रम होता है, एक ही सीक्वेंस में हम काम कर सकते हैं, कोई अन्य दूसरा अनुक्रम असंभव है। प्रसूची इस प्रकार कार्य रूप में सहायक होती है और कोई अन्य दूसरा साधन एवं ग्रंथों को निधायों पर क्रम पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्था प्रणाली में केवल एक ही अनुक्रम संभव है और कोई अन्य दूसरा अनुक्रम असंभव होता है। इससे एंट्रीज भी की जाती हैं। विभिन्न अनुक्रमों के द्वारा संपूर्ण ग्रंथालय के संकलन का ज्ञान पाठकों को कराने में सहायक सिद्ध होता है। तीसरा उद्देश्य है कि ग्रंथालय में उपलब्ध किसी भी संपादक, अनुवादक, सभी कृतियाँ तथा एक विषय की अनेक कृतियों को एक ही साथ व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करना है। ग्रंथालय के कार्य होते हैं और ग्रंथालय का चौथा उद्देश्य यह है कि किसी उपलब्ध पुस्तक का संस्करण तथा अनुवादन आदि विवरण के ज्ञान सुलभ कराती है, जिससे कि ग्रंथालय में चयन होता है। ग्रंथालय के कार्य क्या क्या हैं? ग्रंथालय जे एस सेरा ने कहा है कि प्रसूची के दो प्रमुख कार्य हैं। उनका कहना है कि जो प्रसूची के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रसूची संलेखों के इस प्रकार से अलग करना चाहिए कि ग्रंथालय में उपलब्ध किसी लेखक विशेष की सभी कृतियां एक ही साथ उसी के नाम के अंतर्गत स्थान पर सुलभ हो जाएं। किसी कृति के लेखक और आख्या ज्ञान ज्ञात होने पर संकलन के अंतर्गत शीघ्रतापूर्वक ठीक ढंग से यह निश्चित कर देना कि वह कृति उपलब्ध है या नहीं है, यदि है तो वह किसी स्थान पर सुलभ हो सकती है। निष्कर्ष ये है कि मार्गरेट मन ने कहा प्रसूची निम्न कार्य बताए हैं। प्रसूची के उन्होंने ग्रंथालय में उपलब्ध प्रत्येक कृति का अभिलेख, उसके लेखक, आख्या, टाइटल्स, अनुवादन, संपादक, चित्रलेखा, इलस्ट्रेटर, टीकाकार, कमेंटर एंड माला सीरीज, या किसी अन्य व्यक्ति समष्टि या नाम जिसके द्वारा किसी पुस्तक को प्राप्त करने की संभावना पाठक रख सकता है, उसे प्रस्तुत करना। विवरण की मात्रा ग्रंथालय की आवश्यकता पर भी निर्भर करती है। ग्रंथालय के लेखकों और संलेखों, ऑथर्स एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री, आख्या टाइटल, मुद्रांकन विवरण, इनप्रिंट कॉलब कॉलेशन एंड पृष्ठादि, क्रम संख्या, कॉल नंबर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रसूची के कार्य उद्देश्य को ग्रंथालय विज्ञान के सूत्रों, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के प्रसंग में निम्न प्रकार के उल्लेख दिया है। प्रत्येक पाठक को उसकी या उसके इष्ट प्रलेख को बताना। टू डिस्क्लोज टू एवरी रीडर्स हिज और हर डॉक्यूमेंट। प्रत्येक प्रलेख का उसका पाठक प्राप्त करना। द सिक्योर ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट्स रीडर्स। थर्ड है पाठक के समय की बचत करना चाहिए, सेव द टाइम। और इस कार्य के लिए कार्यरत सदस्यों के समय की बचत हो। और आधुनिक प्रसूचियों के अनुसार प्रमुख रूप से प्रसूची के चार कार्य बताए गए हैं, जिसे पाठक को ठीक सूचना उपलब्ध होती है। टू सेव द टाइम ऑफ द रीडर एंड फॉर दिस पर्पस टू सेव द टाइम ऑफ द स्टाफ। धन्यवाद।